नवी मुंबई महानगर पालिका के 122 वार्डों के आरक्षण की घोषणा के साथ ही आज से चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वार्ड आरक्षण की लॉटरी के मुताबिक 61 वार्ड महिलाओं के लिए विशेष तौर पर आरक्षित किए गए हैं। आरक्षण बदलने से कई वार्डों में पुरुष प्रत्याशियों का चुनावी सपना भी चकनाचूर हो गया है। फिलहाल 1 जून से चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत होगी और शिकायतों और आपत्तियों के निपटारे के साथ 6 जून को वार्डों के आरक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2022 के लिए आज 122 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी घोषित कर दी गई। अक्टूबर में होने वाले इस संभावित चुनाव के लिए कुल 41 पैनल बनाए गए हैं, जिनमें 40 पैनलों में 3 सदस्य होंगे जबकि 41वें पैनल में 2 सदस्य चुनाव लड़ेंगे। बड़ी बात यह भी है कि इस बार हर पैनल में एक महिला कैंडिडेट को अनिवार्य किया गया है, यानी 122 वार्डों में 50% सीटों पर यानी 61 महिलाएं चुनाव में उतरने वाली हैं। नवी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है 2022 का। इसके आरक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो आरक्षण की प्रक्रिया आज यहाँ पे कंप्लीट हुई है। आज जो यहाँ पे रिजर्वेशन का प्रोग्राम निश्चित किया गया, इसमें 3 प्रवर्ग है, अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जमाति महिला और सर्वसाधारण महिला। इन 3 प्रवर्गों के लिए आरक्षण यहाँ पर निश्चित किए गए। 122 हमारे यहाँ पे कॉरपोरेटर इस बार चुन के आने वाले हैं, उसमें से आधे आरक्षित है महिलाओं के लिए। प्रवर्ग नहीं है कितने आरक्षित है, ये हम माहिती अलग से पब्लिश करके आपके सामने रखेंगे। बताना जरूरी है कि वार्डों की लॉटरी में अनुसूचित जाति के लिए 11 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिनमें से 6 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। वहीं सर्वसाधारण श्रेणी में महिलाओं के लिए आरक्षित 54 सीटों में से 40 सीटों पर सीधे आरक्षण दिया गया है, जबकि शेष 14 सीटों को 28 प्रभागों में विभाजित कर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। आज वार्ड आरक्षण कार्यक्रम में जहां शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के पदाधिकारी मौजूद नजर आए, वहीं बीजेपी ने इससे दूरी बनाए रखी। इस पर तंज कसते हुए शिवसेना नेता विजय चौगुले ने महिलाओं को ज्यादा आरक्षण मिलने को अच्छा संकेत बताया। बर की महिला आरक्षण पड़े, महिलांना प्राधान्य मिळालं। मागच्या वेळेस ऐरोलीमध्ये जास्त पुरुष होते, यावेळेस आता जास्त महिला तयार झाले आणि शासनाचं तो धोरणच आहे, महिलांना प्राधान्य द्या आणि आम्ही त्या माध्यमातून महिलांना प्राधान्य देऊ। आणि आमच्या पक्षश्रेष्ठीच्या माध्यमातून ज्या कोणी महिला पक्षश्रेष्ठी ठरवेल त्याला निवडून आणण्यासाठी आम्ही कसोशीने प्रयत्न करू। वही मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने बताया की वार्ड आरक्षण पर 1 से 6 जून तक नागरिकों से आपत्तियां मंगाई जाएंगी, जिसके निराकरण के बाद वार्ड आरक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित होगी। हालांकि सच ये भी है कि इससे पहले वार्ड रचना पर 3582 शिकायतें मिली थी, लेकिन उन पर महानगर पालिका प्रशासन ने कोई अमल नहीं किया, जो आयुक्त की झूठी कोरमपंथी का सबूत देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।